बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम अलैकुम एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। आप सबको हम सब की तरफ से जुम्मा बहुत मुबारक हो। जुम्मा के बाबरकत दिन कहा जाता है कि एक लम्हा ऐसा ज़रूर गुजरता है जहाँ पे दिल से मांगी हुई दुआ ज़रूर कबूल होती है। दिल से हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमारी भी सारी जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करें, आमीन, और अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखें। सो जुम्मे का बाबरकत दिन है, कोई अच्छी सी, कोई पॉजिटिव सी, कोई पते की बात करते हैं आज। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती अच्छी नहीं है, एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ बैड। कोई भी चीज़, व्यूअर्स, अगर आप देखें कोई भी चीज़ अगर आप ऑब्सेस हो जाते हैं या उस चीज़ को एक्सट्रीम पे ले जाते हैं तो फिर इंसान को उसका नुकसान ही होता है। हम कॉन्स्टेंटली कहते हैं कि भाई हर बंदे को अपनी नींद ज़रूर पूरी करनी चाहिए, नींद बड़ी ज़रूरी चीज़ है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा सोते हैं तो उसके आपके जिस्म पे और आपकी ज़िंदगी पे बड़े नेगेटिव असरात होते हैं। सेम थिंग विद वाटर, हम हमेशा कहते हैं पानी ज़्यादा पिए, पानी ज़्यादा पिए, लेकिन अगर आप दिन के 5-5, 6-6 लीटर पानी पियेंगे तो आपके जिस्म में न्यूट्रिएंट्स नहीं अब्सॉर्ब होंगे। 2-3 लीटर ही पानी आपने डेली के पीने हैं। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। जब हम रिश्तों की और ताल्लुकात की बात करते हैं व्यूअर्स, तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि हम कहते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ मिलना जुलना रखें, ज़्यादा अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ एक एसोसिएशन रखें, उनके साथ उतना बैठना रखें। जब हम बात ये करते हैं तो जहन में ये आता है कि भाई फैमिली, फ्रेंड्स वगैरह के साथ ज़्यादा टाइम गुजारें। अगर आप फ्रेंड्स के साथ भी बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं वो भी बुरा है, अपनी फैमिली के साथ भी ओवर टाइम स्पेंड करते हैं उसके भी नुकसान आते हैं। क्योंकि एक अंग्रेज़ी का मुहावरा है कि फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, ये मतलब जितना एक दूसरे के अंदर घुसोगे उतना ही आगे जाके मसाइल होंगे। सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज़ भी, जो हमें बार बार पॉइंट आउट की जाती है वो क्या है, मियाना रवि, कि बैलेंस के साथ हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। अब देखें पानी, जैसे मैंने पीने की बात की, तो पानी, बारिश, हम कितने एक्साइटेड होकर बारिश का इंतज़ार करते हैं, हमें ये होता है कि वो बारिश होगी तो ये होगा तो वो होगा तो बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन जब बारिश बहुत ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि दुबई में देखें, सऊदी में देखें हालात क्या चल रहे हैं इस वक्त, मतलब बारिशें, तूफ़ान, आंधी और फ्लड्स, मतलब लोगों की कहाँ पे ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स के ऊपर फर्नीचर पड़ा हुआ है, हवा चली तो वो फर्नीचर उड़ के, बाकायदा फर्नीचर उड़ के नीचे गिर रहा है। आप ये देखें हालात इस वक्त दुबई के अंदर। सो बात यह कि वही पानी जो ज़िंदगी देता है, जो हमें हमारे मतलब ज़िंदगी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है, जब वही नेमत इस तरह से मतलब फ्लड्स के फॉर्म में या पानी इस तरह से ज़्यादा हो जाए तो ये आपको नुकसान देती है। सो व्यूअर्स, कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे चली जाए, जियोग्राफिकली भी आप देखें कि ज़रा सा हल्का सा जलजला आता है तो किसी भी मुल्क में आए तो इंसान घबरा जाता है। नॉर्मली आपके दुनिया की टेक्टोनिक प्लेट्स वगैरह सारी नीचे बिल्कुल नॉर्मल एक मामला चल रहा होता है, लेकिन जब नॉर्मल से हट के एक जलजला आ जाता है, बिल्डिंग्स गिर जाती हैं, लोग प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, इश्यूज़ हो जाते हैं, तो अल्लाह ताला की नेमतें भी, रहमतें भी जहमतें बन जाती हैं जब वो एक्सेस में हों। अब बहुत से लोग कह रहे हैं कि दुबई में ये देखिए अल्लाह का अजाब, ये वो, मुझे एक बात बताएं, अगर चीज़ें प्रॉपर तरीके से की जाएं, ऑर्गेनाइज्ड अंदाज से की जाएं, तो इस किस्म के नुकसान नहीं होते, राइट? दुबई में देखिए, मैं नहीं जानती डिटेल्स, बट इतना मुझे ज़रूर पता है कि हर चीज़ के लिए तैयार होना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये देखें इस तरह की विंड्स चल रही हैं, ये सारा कुछ क्यों हो रहा है, ये हमारी गलती है, ये चीज़ हम अल्लाह के ज़िम्मे नहीं डाल सकते। अब आप कहेंगे हमारी किस तरह फॉल्ट है, देखें जिस तरह ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, जिस किस्म के हमारे वेदर के कंडीशंस हैं, जिस किस्म की पोल्यूशन और आलूदगी हम लोग फैला रहे हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट्स तो होने ही थे। और व्यूअर्स, कब से कह रही हूँ, कम अज़ कम पिछले 10 साल से मैं इसी प्लेटफॉर्म से और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी ये बात कह रही हूँ कि खुदारा प्लीज़, हम लोग जो चीज़ें कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं पानी में, मतलब हम लोग जब दरख्त काटते हैं तो देखें उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है फ्लडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। पाकिस्तान में भी जब फ्लड्स आए तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि हमारे पास कोई ट्री कवर ही नहीं था। सो व्यूअर्स, हम लोग तरक्की और इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, एक रेवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आगे बढ़ते हैं तो हम
चीज़ें बहुत सी करना शुरू हो जाते हैं। अब टेक्नोलॉजिकली हम कितने भी एडवांस हो जाएं, नेचुरल डिज़ास्टर को हम कितना को संभाल सकते हैं, और ये नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं ये हमारी अननेचुरल हरकतों की वजह से हो रहे हैं। फ्लड्स हो गए, जलजले हो गए, देखें हमने बिल्कुल ओजोन लेयर का ख्याल नहीं रखा, हमारी आइस कैप्स मेल्ट कर रही हैं, गर्मियाँ आती हैं तो ख़त्म ही नहीं होती, फिर सर्दी आती है तो इतनी सर्दी आती है कि ऐसी जगहों पर बर्फ़ भी पड़नी शुरू हो जाती है जहाँ पर कभी बर्फ़ ही नहीं पड़ी। कुछ दिन पहले ओले, आई थिंक स्वात में ओले पड़े हैं समथिंग। सो द फैक्ट इज़ व्यूअर्स, ये सारा कुछ जो इतना अजीब और आउट ऑफ द बॉक्स हो रहा है, ये हम लोगों की नेचर के साथ ज्यादती है जो अब हमें भुगतनी पड़ रही है। देखिए नेचर ने भी तो आगे से कोई रिस्पॉन्स देना था ना। सो व्यूअर्स, अल्टीमेटली किसी भी चीज़ की एक्सट्रीम बुरी है। पोल्यूशन की एक्सट्रीम पे चले जाएंगे तो वो आपके लिए नुकसान पैदा करेगी। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, पानी एक बेसिक चीज़, वो आपको नुकसान देगी। अपने जानने वाले फ्रेंड्स कंपनी ओवरली किसी के अंदर जाके घुसेंगे, वो आपके लिए मसले क्रिएट करेगा। खाने पीने में वही चीज़ें जो आपकी सेहत और आपकी आपकी हेल्थ के लिए अच्छी होती हैं, जब आप उनको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं, आपके लिए एक पाव कोई चीज़ अच्छी है सेहत के लिए, आप एक एक किलो खा लेते हैं, इवेंचुअली वो आपको प्रॉब्लम देगी। प्रोटीन ज़्यादा लेंगे, वही प्रोटीन जो आपका मसल बनाती है, तो आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा। सो व्यूअर्स, बैलेंस 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 बैलेंस, मयाना रवि, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ज़िंदगी में। और किसी भी चीज़ को एक्सट्रीम की तरफ लेके जाना इंसान को नुकसान और फारे में लेके जाता है। सो हमने बढ़ना है किचन की तरफ। जब हम खाने की बात कर रहे हैं तो किचन में बढ़ने से पहले 0429920648 हमारा फ़ोन नंबर है, मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। शेफ ज़ूफ़िशा मुरीद हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ूफ़ी। वालेकुम अस्सलाम। ज़ूफ़ी, आपने रियलाइज़ किया कि ज़िंदगी में कितना ये एक बहुत मुश्किल चीज़ है कि ज़िंदगी में हम बैलेंस ढूंढना शुरू करें। आपने नोटिस किया कि एक चीज़ कोई करना शुरू करता है इंसान, और उसको अगर आपके उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले तो बंदा उसके पीछे ही लग जाता है, और फिर वो अच्छे के जगह बुरी चीज़ होनी शुरू हो जाती है। एक्सरसाइज को ले लो, बिल्कुल लोग एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं वंस अ डे, मतलब एक दफ़ा दिन में 40-45 मिनट्स, अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, बड़े खुश होते हैं, फिर दो दफ़ा दिन में एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी, इतना ज़्यादा काम करना शुरू कर दिया कि जिस्म ने हड्डियों ने जवाब देना शुरू कर दिया, ऐसे ही और फिर कोई इंजरी हो गई। हाँ, ये जैसे सिंपल किचन है तो किचन में नमक के बगैर तो टेस्ट ही नहीं होता, लेकिन ये है कि अगर नमक ही ज़्यादा हो जाए तो आप नहीं खा सकते हैं उसको, वो आपके लिए नुकसान है। सिंपल, अभी रमज़ान गुजरा है तो जितनी देर तक हमने इफ्तार नहीं किया होता हम एक्टिव होते हैं। इफ्तार हुआ, वो ज़रूरत से ज़्यादा खाया, उसके बाद नींद भी आना शुरू हो जाती है, आप काम भी नहीं कर पाते, तो ये सारी चीज़ें जब लिमिट से आगे जाती हैं तो आपके लिए नुकसान है। और कोई चीज़ है ना व्यूअर्स, अब रोज़े जो अभी बहुत से लोग अब कह रहे हैं कि भाई हमने वेट कम करना है रमज़ान के बाद, बहुत से लोगों ने बहुत लोगों ने पोस्ट भी लगाई हुई है कि ओ माय गॉड आई नीड टू लूज़ वेट, आई पुट ऑन सो मच वेट, ये वो रमज़ान में। हर बंदा रमज़ान से पहले सोचता है कि ओ हम अपना वेट मैनेज कर लेंगे, मेनटेन कर लेंगे, ये कर लेंगे। रमज़ान में भी किसी ने एहतियात नहीं की, पकौड़े समोसे जलेबियाँ गैस्ट्रो के अपने आप को मसाइल डाल दिए। बिल्कुल, वही चीज़ें जो आप इंजॉय करते हैं, जो आपको बेनिफिट देती है, वही फिर आपको नुकसान देती हैं, तो बैलेंस पे चलना चाहिए। बिल्कुल ऐसा। आज हम बना क्या रहे हैं किचन? आज हम बना रहे हैं बटर चिकन नट्स के साथ, तो ये बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बड़ी जल्दी बनने वाली। हाँ जी। तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने बटर चिकन बनाने के लिए मुर्ग का गोश्त लेना है 1 किलो, नमक हंसबे जायका, सूख मिर्च हंसबे जायका, हल्दी आधा चाय का चम्मच, सूखा धनिया 1 चाय का चम्मच, तेल 2 खाने के चम्मच, टमाटर आधा किलो, प्याज आधा किलो, हरी इलायची 4 अदद, जीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च हंसबे जायका, मक्खन 250 ग्राम, क्रीम 1 कप, दूध 1 कप, मेथी हंसबे ज़रूरत। जी, तो चिकन लेना है हमने बोनलेस चिकन लेके, तो इसको हमने ये जो मैंने सारे स्पाइसेस बताए हैं उसके साथ मैरिनेट करके, और उसको मक्खन के साथ हमने सोते कर लेना है। ठीक है। और साथ में नट्स को और चिकन को सोते करना है। इसी तरह बाकी जो हमारे टमाटर और प्याज, ये दूसरी जो वेजी हैं, उसको भी हम अलग से मक्खन के साथ सोते करेंगे और उसके बाद इसको ब्लेंड कर देंगे। ब्लेंड करके तो फिर हम उसकी हल्की फुल्की सी बुनाई करेंगे, क्योंकि मक्खन के साथ पहले सोते किया हुआ होता है, चिकन पक चुका है, फिर हम उसमें चिकन ऐड करेंगे, क्रीम ऐड करेंगे, दूध ऐड करेंगे, और मक्खन जो है उसको अच्छे से ग्राइंड करके उसकी एक पेस्ट बना ली। जी जी। और फिर उसको अलहदा से बना के हमने चिकन में डाला, फिर चिकन ऐड करेंगे उसमें एंड पे। ठीक है, चिकन और नट्स जो हमने ब्राउन। जी जी, वो, और फिर एंड पे हम थोड़ा सा मक्खन और ऐड करेंगे, और हरी मेथी के साथ हम उसको एंड करेंगे उसका। वेरी नाइस। अब यूज अगेन, बटर चिकन एक बड़े मज़े की चीज़ है, बट कैलोरीज में बहुत हैवी है, हाई है। सो अगर आपने बटर चिकन फॉर एग्जांपल बनानी भी है,
खाएं, ज़रूर खाएं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि तीन तीन नान साथ आप खा लें। बिल्कुल। आधी रोटी के साथ भी ज़्यादा चिकन डाल के आप आराम से उसको खा सकते हैं, एक हेल्दी उसको अपने लिए मील बना सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी इतनी सॉफ्ट और वो होती है, तो उसके साथ जो लोग थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस है वो सैलेड ले लें, और जो लोग नहीं इतने डाइट कॉन्शियस, बटर चिकन के साथ वैसे तो सफ़ेद चावल बड़े मज़े के लगते हैं, खमीरी रोटी के ऊपर भी अगर आप थोड़ा सा मक्खन लगा लें या रोहनी नान, उसके साथ भी बड़े मज़े का लगता है। लेकिन अगेन, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, सो बैलेंस के साथ और एक तरीके के साथ चीज़ों को लेकर चलना चाहिए। अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ें, डन हो गई हमारी रेसिपी, जी जी रेसिपी तो डन हो गई, हम ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे सूफीज़म के बारे में, ये जो एक रूहानी सूफियाना सूफी थॉट है या आखिर है क्या, और साथ में हमने एहतमाम किया है आपके लिए कवाली का भी। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। है
बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही टैलेंटेड, बहुत ही ब्रिलियंट तहसीन सकीना हमारे साथ हैं, जो एक बहुत ही ब्रिलियंट सूफी सिंगर भी हैं, मेरी बहुत प्यारी बहन और दोस्त भी हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारी। वालेकुम अस्सलाम जी। आपने तो ऐसा खूबसूरत जो है, शुक्रिया, गुड मॉर्निंग सबको किया है, कि समा बांध दिया, बिल्कुल। और इनके साथ इनकी प्यारी टीम, हमारे प्यारे से बब्बा भाई, बब्बा हमीद, वी हैव वसीम अली एंड वी हैव राम अब्बास, सबको वेलकम करेंगे शो में। वैसे तो आपका ही शो है आज, तो हमारे प्रोग्राम में हमारे अपने ही सारे आए हैं, कुछ और अपने हैं उनकी तरफ भी बढ़ते हैं। हमारी पीटीवी फैमिली का एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा, एक ऐसे एंकर पर्सन जो मेरे ख्याल से पीटीवी के साथ ही बड़े हुए हैं, इन द सेंस दैट आप एजुकेशनिस्ट भी हैं, बहुत बेहतरीन एंकर पर्सन है, ही इज़ अ ब्रिलियंट होस्ट, और पीटीवी की फैमिली का बहुत अरसे से हिस्सा भी हैं, और उसके अलावा वेरियस डिफरेंट किस्म के प्रोग्राम्स पीटीवी पे होस्ट कर चुके हैं, चाहे वो मजहबी प्रोग्राम्स हों, चाहे वो एंटरटेनमेंट के हों, चाहे वो अदब के हों। हमारे साथ हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई रियाज खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, और बहुत सारा शुक्रिया आपका। उतना ही वालेकुम, शुक्रिया आपका। और आपके साथ अगेन माई सिस्टर, माई फ्रेंड, माई टीचर, माई गाइड। देखिए दोस्तें भी आपके उस्ताद हो सकती हैं, दोस्ते मतलब असातिज़ा हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स भी। किस तरह कोई इंसान आपको एक लफ्ज़ भी व्यूअर्स सिखाता है तो वो आपका उस्ताद है। वाह। और उस्ताद की रिस्पेक्ट और रिगार्ड माँ बाप के लेवल की होनी चाहिए। तो मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त, जो उम्र में छोटी है लेकिन रिस्पेक्ट डिजर्व करती है पेरेंट्स वाली, प्रोफेसर डॉक्टर नूरीत फातिमा हमारे साथ हैं। अब आप एक कुरान थेरेपिस्ट भी हैं, स्पिरिचुअल हीलर भी हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, एज इस्लामिक स्कॉलर या आलम दीन तो आप इनको देखते ही हैं, बट वेरियस डिफरेंट हैट्स आप पहनती हैं, जिसके साथ साथ 30 साल से आप सूफीज्म पे काम भी कर रही हैं, राइट? जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे ही बात का आगाज करते हैं। सबसे पहले तो आप दोनों की डेफिनेशन, एज अ कॉमन मैन एंड एज अ एजुकेशनिस्ट एंड देन एज अ रिलीजियस टीचर एंड रिलीजियस लीडर, आप दोनों के प्रस्पेक्टिव्स, सूफीज्म है क्या? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया जुगन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्म सल्ली अला सैयदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व सहबिही व बारिक वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी पीटीवी होम का, कि इतने खूबसूरत टॉपिक पे आपने मुझे मदो किया, और आपका बहुत ही बुनियादी सवाल है, और मैं समझती हूँ कि आज के पूरे प्रोग्राम में अगर ये इसका जवाब किसी को समझ आ जाए, स्पेशली हमारे यंगस्टर्स को जिनकी माइंड मेकिंग इस तरह से की जा रही है कि सूफीज़म इज़ समथिंग एल्स, वो इस्लाम का हिस्सा नहीं, वो दीन का हिस्सा नहीं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मतलब कॉलेज में, जब मैं यूनिवर्सिटी में थी अबाउट 10-15 years ago, आई रिमेंबर कि वहाँ पे अक्सर हम लोग जब बात कर रहे होते थे ना, तो किसी से कहते थे कि ओके आई एम मुस्लिम, वॉट आर यू, तो आगे से जवाब आता था कि भाई आई बिलीव इन स्पिरिचुअलिज़म,
तो मैं कहती थी बट इस्लाम एंड स्पिरिचुअलिज्म इज ऑलमोस्ट द सेम थिंग. यस इट्स वन एंड द सेम थिंग. थोड़ा सा आप उसमें एडजस्टमेंट कर लें, बात तो एक ही है. तो नहीं नहीं नहीं, आई एम स्पिरिचुअल या आई बिलीव इन सूफीज्म. कहती थी बात तो एक ही है. मेसमरिज्म की बात कर रही हूं. लोगों को आई थिंक समझ नहीं आती है कि एक्चुअली स्पिरिचुअलिटी एंड सूफीज्म है क्या. बिल्कुल. तो मैम आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों की कनेक्शन एंड स्पिरिचुअलिज्म या सूफीज्म है क्या. जी मैम. तो उसमें बुनियादी चीज़ ये है कि सबसे पहले तो इंसान को अपने ज़ात के अंदर गौर करना चाहिए कि इंसान जो है वो जिस्म और रूह दो चीज़ों का मुरक्का है. जिस्म जो है उसका जाहिर है और रूह उसका बातिन है. रूह निकल जाती है तो हम इंसान को इंसान नहीं कहते, माँ कहती है ये बेटी की मैयत है, बेटी कहती है माँ की ये मैयत है, वो मैयत हो जाता है. तो उसका नाम तब तक है जब वो जिस्म और रूह का मुरक्का है और उसी को हम इंसान कहते हैं, वरना वो डेफिनेटली डेड बॉडी है, वो मैयत है. इसी तरह से अगर हम स्पिरिचुअलिज्म को देखें तो और सूफीज़म को देखें तो इसका ताल्लुक ही रूह से है, इसका ताल्लुक ही बातिन से है, इसका ताल्लुक ही मेटाफिज़िक्स से है. और जब हम रूहानियत की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि बुनियादी तौर पर इस्लाम का एक जाहिर है, एक उसका बातिन है. तो जाहिर में हम देखते हैं शरीयत है, उसमें हम कलमा पढ़ते हैं, ईमान लाते हैं, उसके बाद नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है. लेकिन उन तरीकों को कैसे अपनाया जाए, उन पर कैसे अमल किया जाए, इसका नाम स्पिरिचुअलिज्म है, इसका नाम सूफीज़म है, इसका नाम खुल्के मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम है. सादा लफ्ज़ों में अगर हम कहें कि अख़लाकियात इस्लाम जो है वो सूफीज़म है, तो मैं समझती हूँ इससे सादा डेफिनेशन मैंने अपनी ज़िंदगी में और कोई ना पढ़ी है ना देखी है. और सूफ़ी क्या है, कुछ लोगों ने कहा जी जो खरका पहन ले, मोटा लिबास सूफ से है. फिर कुछ ने कहा सुफ़ा जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चबूतरा बनाया था, वहाँ से जो असहाबाए कराम सहाबाए कराम रिदवानुल्लाहि अलैहि मजमाइन और जो असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाकियात पाकर निकले. और इसका पहला जुमला सिद्दीक़ अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जब अपने घर का सारा माल लुटा दिया ग़ज़वा तबूक के मौके पर, और उन्होंने जो जुमला बोला था कि मैं घर में किसको छोड़ आया हूँ, फरमाया मैं अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़ा हूँ, इसको सूफीज़म की बुनियाद कहा जाता है. और फिर आप देखिए जिस जैसे आप बात कर रही हैं, हम अखलाकियात से तो दूर हो जाएँ और हम ज़ाहरी लबादे ओढ़ के ख़ुद को सूफ़ी मेंशन करना शुरू कर दें तो ये सूफीज़म नहीं. अच्छा मैं यही तो बात, अब देखिए ना आजकल मैं अक्सर कहती हूँ ये डिज़ाइनर सूफीज़. बिल्कुल. मैंने टर्म मैं ये यूज़ करती हूँ डिज़ाइनर सूफीज़, इस पर अक्सर लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं. आई एम सॉरी अगर कोई माइंड करता है तो करे, बट मैं तो यही बात कहूँगी कि देखिए कपड़े आपने पहन लिए, आउटफिट आपने पहन लिया और आपने एक अपना वो बना लिया कि ओ यू नो हम लोग मेडिटेशन करते हैं, हम लोग हमारा एक ग्रुप बना हुआ है, हम साथ टूर्स पे जाते हैं. एक एक्सटर्नल सारी चीज़ें हो रही हैं, इंटरनल कुछ नहीं हो रहा. पूछो नमाज, लो जी एक नमाज नहीं पढ़ते तो पांच वक्त तो दूर की बात. देखें आपने आउटफिट और वो सब कुछ पहन लिया, हाथ में आपने 10 लाख रुपये का पर्स उठा लिया, महंगी सी आपने जूती पहन ली, आउटफिट आपका अलबत्ता सादा है, तो रियाज भाई ये कौन सी सूफीज़म है? अच्छा, ये तो फिर दिखावे वाली चीज़ है ना. उसी तरह जिस तरह हम लोग जब सदका खैरात करते हैं और उसकी वीडियोस बना बना के लगाते हैं तो वो तो फिर दिखावा ज्यादा हो गया. अच्छा, ना, काम बड़ी, तो बड़ी तफसील के साथ वो सूफी जो बेसिक उसका कॉन्सेप्ट था वो तो आपको क्लियर करने की कोशिश की है. मैं समझता हूँ कि जो हमारा इंटरनली जो हम हैं, एक तो हमारा है ना वो जैसे आप कह रहे हैं कि वो हम बहुत सारा ये हम ब्रांडेड हो गए, बाहर हम ब्रांडेड हो गए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी हम लोगों के लिए करती है ना. लेकिन फ्रॉम द इनर साइड अंदर से आप क्या हैं, अंदर से जो मालिक कायनात है, जो रब्बुल आलमीन है, सबका रब है ना वो, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है, वो रब्बुल आलमीन है. रब्बुल आलमीन ने जो कुछ कहा है हमें अंदर से, अगर हम अकॉर्डिंग टू दैट हैं, हम उसके मुताबिक हैं, तो फिर इसका मतलब है कि हम सूफिया की कैटेगरी में जा रहे हैं. और हमारे पास बहुत सारी मिसालें हैं सूफिया की, उन लोगों की जिन्होंने अपने आप को त्याग दिया, बज़ाहिर इस दुनिया में रहे लेकिन उनकी प्रायोरिटी जो थी वो दैट वाज जस्ट इंसानियत, दैट वाज जस्ट लव, कि उन्होंने मोहब्बत की ही बात की, उन्होंने मोहब्बत का ही दरस दिया और अंदर से, और लोगों को आसानियों वाली बात की तरफ लेके गए, आसानियों का शर्फ उन्हें बख्शा और कोशिश की कि लोग उनकी वजह से आसानियों की तरफ आएं. अगर आपका कुछ भी मज़हब है, अगर आपका कुछ भी मसलक है, आप किसी भी फिरके के साथ आपका ताल्लुक है, तो दे डिड नॉट बॉदर फॉर दैट. उन्होंने यही कहा कि नहीं, अंदर से आप कितने अच्छे हैं और आपकी रब्बे कायनात के साथ आप किस तरह से अपने आप को जोड़ते हैं और इंसानियत के साथ आप किस तरह से जोड़ते हैं. जिस तरह से मैंने अर्ज़ किया कि रब्बुल आलमीन जो है वो किस तरह से चाह रहा है, क्योंकि अल्लाह ताला की ये सारी कायनात में जितनी भी मखलूक है वो उसका कुनबा है,
उसके कुनबे से आपने कितनी मोहब्बत की है। अच्छा, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है और अक्सर व्यूअर्स में इस बात पे जब हम लोग डिस्कशन कर रहे होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कॉन्वर्सेशन है जो ड्राइंग रूम्स में व्यूअर्स बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की जाती। अब व्यूअर्स, आप दिखने में तो सूफ़ी हैं टेक्निकली, वो जो एक लुक बन गई है सूफीज़ की, और बड़े सूफ़ी ऑर्डर्स भी हैं, और फलां सूफ़ी ऑर्डर से फलां हैं, फलां सूफ़ी ऑर्डर, और हम इस रैंक पे हैं, अब तो ये टेक्निकलिटीज़ भी आ गई हैं। मेरा सिर्फ सवाल एक ही बनता है कि हमारा रब हमें कहता है कि दीन और दुनिया दोनों को साथ लेके चलना है। आपने लुक दे दी है कि भाई अब मैं जो है वो बस दीन और वो जो कहते हैं ना उसके मामलात को देखूँगा, तो उसके अंदर भी जो सूफ़ी होता है वो खुद दुनियावी चीज़ों को छोड़ देता है, लेकिन दुनिया वालों का ख्याल ज़रूर रखता है। तो अब सूफीज़म का ये मतलब भी नहीं है कि आप सुबह से लेकर रात तक सिर्फ इबादत कर रहे हैं और आप किसी के काम नहीं आ रहे, किसी की हेल्प नहीं कर रहे, वो फिर एक डिफरेंट कैटेगरी हो जाती है। सो ब्रेक के बाद वापस आएंगे। एक्चुअली सूफीज़ की बात करें तो वो कौन से लोग हैं, पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको हम एक्चुअली सूफीज़ कंसिडर करते हैं, एंड देन उसके साथ साथ सूफीज़म को अंडरस्टैंड करने के लिए वो क्या मराहिल है जिनसे हमें गुजरना पड़ेगा, उसमें क्या डोमेन्स हैं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। एंड ऑफकोर्स साथ साथ हम कलाम भी सुनेंगे, इतनी प्यारी और टैलेंटेड तहसीन सकीना और उनके प्यारे टीम के लोग, हमारे प्यारे भाई भी हमारे साथ हैं। तो ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मॉर्निंग एट होम और हमारे साथ आज एक बहुत ही खूबसूरत गुलदस्ता ऑफ गेस्ट्स, तो नहीं कह सकती कैसे इनको मैं गेस्ट कहूँ, ये तो चैनल ही इनका है। तो आज हमारे पीटीवी के ही फैमिली जो है वो हमारे साथ है, तहसीन सकीना हमारे साथ हैं, बाबा हमीद, वसीम अली एंड ऑफकोर्स गुलाम अब्बास। देन गुफ्तगू हम कर रहे हैं रियाज खान से एंड प्रोफेसर डॉक्टर नूरी फातिमा से। डॉक्टर साहब, चले आपसे ही बात को फिर से रीस्टार्ट करते हैं कि फिर जो लोग सूफी लुक में होते हैं, अब तो बकायदा ऑनलाइन एड्स भी आ रहे होते हैं कि भाई हमारा फलां सूफी ऑर्डर है, अगर आपने उसको ज्वाइन करना है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरी एप्लीकेशन तो उसी दिन चली गई थी जब मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कहा, तो मैं तो उसी वक्त ही मेरी तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गई थी रब के साथ। तो उसके बाद फिर ये आउटफिट पहनना क्या ज़रूरी है? ये आपने बहुत ही अहम सवाल पूछा है और मैं समझती हूँ इस पे हमारी क्लैरिटी ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल की बहुत ज़रूरी है, कि जैसे मैंने शुरू में बात की थी कि सूफिया जो हैं वो खरका पहनते हैं, मोटा लिबास सूफ से, बाज़ ने इसको तशबीह दी है कि वो उनके जो है ना वो ज़ाहिर से भी ज़ाहिर होना चाहिए, यानी उनके आउटफिटर्स से भी पता चलना चाहिए कि ये सूफ़ी हैं। लेकिन इस्लाम इस चीज़ की कतन बिल्कुल भी पाबंदी नहीं लगाता कि आपका सतर के अलावा, कि आपका जिस्म सातिर हो, आपका लिबास सातिर हो, उसके बाद ज़ाहरी वजह कता की कोई अहमियत या कोई उस तरह से कि ये कंपलसरी है ये नहीं है। देखिए, और इसमें दो चीज़ें ज़रूर, अगर मेरी जान एक चीज़ पॉइंट आउट कर दूँ, देखिए ये बात तो एक अंडरस्टूड बात है कि अपने सर को कवर करना चाहिए, ये एक अच्छी और पॉजिटिव और एक आसान चीज़ है, राइट। होता ये है कि आप सूफीज़, फीमेल सूफीज़ में भी आउटफिट देखते हैं तो सर तो उनका भी कवर्ड नहीं होता, 90% का अपना सर नहीं कवर्ड होता। तो मुझे यही तो बात ऑड लगती है कि आपने एक यूनिफॉर्म पहन ली है लेकिन आपने सर नहीं कवर किया जो आपको कहा गया करने को। बिल्कुल मेरा पॉइंट समझ रही है, समझ जी, 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 ये वाली भी तो एक बात है कि अगर आप मुस्लिम हैं और आप मुस्लिम सूफी हैं, राइट, मैं ये दोनों चीज़ें साथ जोड़ रही, उसके बाद फिर आपने सर भी नहीं अपना कवर किया, बट आप हम सबको बता रहे हैं कि हमें कैसे अपनी जिंदगी जीनी चाहिए। जो आपने अपने सवाल में ही जवाब भी दे दिया है कि अगर आप सूफी हैं और अगर आप मुस्लिम सूफी हैं, क्योंकि जो सूफीज़म है ना इसको मेस्मरिज्म के साथ और दीगर चीज़ों के साथ, रेकी के साथ, इन चीज़ों के साथ अगर जोड़ा जाता है तो देखा जाए तो दुनिया के कई मज़ाहिब हैं जिनके अंदर सूफीज़म की इस्तिलाह मौजूद है, लेकिन देखा जाए कि क्या वो हिंदुइज्म है, क्या वो सिखिज्म है, क्या वो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म को देखिए, मंक्स जो हैं वो इसी तरह एक आउटफिट में होते हैं और जोगी से कट जाते हैं, क्या क्या यात्री हैं, क्या आप जोगी हैं, क्या आप उस तरह के उपाध्याय हैं, आप दीगर मजाहिब के लोगों को इस्लाम के सूफीज के साथ ना जोड़ें, क्योंकि जो मुस्लिम सूफी है वो शरीयत के दायरे के अंदर रहेगा, वो शरीयत के दायरे से बाहर नहीं जाएगा। तरीकत का जो दायरा, सूफीज़म का जो दायरा है वो शरीयत के दायरे के अंदर है, वो पांच वक्त का नमाजी होगा, वो रोज़े रखेगा,
वो इबादत करेगा, वो फराइज को साकित नहीं करेगा। बिल्कुल, इवन दो इस, मैं तो ये समझती हूँ, हमने जो सूफिया की तारीख पढ़ी है, एक सूफी थे वो सफर के लिए निकले, उन्होंने अपनी गठड़ी बांधी और कहाँ खुरासान और कहाँ बगदाद, बगदाद से चले खुरासान आए, आकर गठड़ी खोली कई दिन की मुसाफत के बाद, तो देखा उसके अंदर एक चींटी मौजूद थी। आप रोए, परेशान हुए कि मैंने इसको इसके कबीले से दूर कर दिया। दोबारा सामान बांधा, वहीं वापस गए, सामान खोला, उस चींटी को उतारा और कहा मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हें तुम्हारे कबीले से इतने दिन दूर रखा। यह है सूफीज्म। जमीन के ऊपर तेज कदम से हम चल नहीं सकते, हम पानी को गदला नहीं कर सकते, हम परिंदे के घोंसले से उसके बच्चे नहीं निकाल सकते। रहमतुल्लिल आलमीन की रूह परेशान हो जाती है, कुजा के हम इंसानों को कुछ तो खून करते फिरें, जाहिर नहीं है। मैंने जो बात की अखलाक मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसमें मुआफ़ करना है, उसमें दूसरों का एहसास, खान साहब बात कर रहे थे कि उसमें फिर आप दूसरे इंसानों से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उम्मत की अगर हम बात करें, एक उम्मत है दावत है, एक उम्मत है इजाबत है। उम्मत है दावत कौन सी है? नॉन मुस्लिम्स, ये सारी इंसानियत। आज देखें पूरी दुनिया में अगर कहीं कोविड जब आया तो क्या पूरे किसी ने मजहब पूछा, किसी ने उससे उसका दीन पूछा, किसी ने उसका मसलक पूछा? नहीं ना, इसलिए कि उस वक्त इंसानियत मर रही थी। तो यही सूफीज्म कहता है कि आपको जानवर, और आपके साथ ही मैंने आपको याद हो तो एक शो किया था एक और चैनल पर, कि जब जो है वो बिल्कुल मुल्हिदीन मेरे घर मेरे मेहमान बनकर आए हुए थे, मेरे बेटे के क्लास फेलोज जो खुदा को नहीं मानते, मजहब को नहीं मानते, और आपने मुझसे वो सवाल पूछा था कि इस्लामिक स्कॉलर के घर में और इस तरह के लोग, तो मैंने आपसे एक बात कही थी, आज फिर उसको दोहराऊंगी कि हमने सूफिया की जो तारीख पढ़ी, आपने बात की थी ब्रेक पर जाने से पहले, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमहुल्लाह, बाबा फरीदुद्दीन गंजशकर, दाता गंजबख्श अली हिजवेरी रहमहुल्लाह, गाजी जो है वो अब्दुल्ला शाह गाजी, तो ये सिंध से लेके मकरान तक आप देख लें, बड़े सगीर में देख लें, बड़े सगीर से बाहर देख लें, कि वो तमाम के तमाम जानवरों इंसानों और तमाम मखलूकात से मोहब्बत करने वाले लोग थे। जी अच्छा जुगन जी, मैं ये समझता हूँ कि देखें जो आपने बेसिक बात की थी ना, कि बेसिक आपका हुलिया काउंट नहीं करता, ठीक है, सूफी की एक डेफिनेशन है कि वो सादा है, योगा भी पढ़ा रहे होते हैं, वो सादा है, कहते हैं कि यू नो इट्स सूफी योगा, नो नो उसको उसके साथ रिलेट करने की जरूरत नहीं है, वो बेसिक्स जो इस्लाम की है वो जरूर करेगा, उनसे वो दूर नहीं होगा, लेकिन इंटरनली वो इंसानियत की खिदमत कर रहा होगा। वो मैंने पहले आपको मिसाल दी कि वो रब्बुल आलमीन की जो खूबियाँ हैं, कि देखिए अल्लाह ताला की ज़ात जो है, जो उसको नहीं मानने वाले उनको कुछ ना दे, वो कर सकता है ऐसा, लेकिन जो उसको नहीं भी मानते उनका भी रिस्क बंद नहीं किया जाता। इसी तरह से सूफिया जो हैं वो अंदर से सब लोगों के साथ मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत जो है उसके बारे में भी यही कहते हैं ना कि ये खुदा का अदबी नाम है बेसिकली, जिसे नूरानी हाथों ने नूरानी कागज़ पर नूरानी कलम से लिखा। और जो सूफिया होते हैं वो सरापा मोहब्बत होते हैं, उसके लिए वो मसलक नहीं देखते, वो कुछ भी नहीं देखते, वो बस इंसान के साथ अल्लाह के कुनबे के साथ मोहब्बत करते हैं, और अल्लाह के कुनबे के साथ मोहब्बत ही असल सूफीज़म है, अल्लाह के कुनबे के साथ, बगैर ये सोचे हुए कि ये कौन है, ये मुझसे अगर आपका इख्तलाफ़ है तो हो सकता है, लेकिन मुझे आपको सर्व करना है, क्योंकि मुझे आपको सर्व करना है ह्यूमैनिटी के तौर पर, इंसान के तौर पर, मुझे अपने मसलक के तौर पर नहीं आपको दावत देनी। उससे भी पढ़ के जो एक बात है रियाज भाई, जो चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाती है ना, बेसिकली इट्स वेरी कूल टू बी अ सूफी नाउ। मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि देखें कूलनेस और इन चीज़ों के अंदर प्लीज़ मज़हब और इन चीज़ों को मत डालें, मतलब पॉलिटिक्स एंड मज़हब को आपको साइड पे रखना चाहिए। ये दो ऐसे एरियाज हैं जिनसे फिर लड़ाइयाँ और फड्डे भी पड़ते हैं, राइट? मज़हब जो लोगों को करीब भी लेके आता है, उसी मज़हब को जो इतना खूबसूरत है, चाहे आप इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी, किसी भी मज़हब की बात करें, मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, मैं किसी भी मज़हब को बुरा नहीं कहती। देखिए हर बंदे की अपनी एक अपब्रिंगिंग है। मेरा इसमें क्या कमाल है मैम कि मैं एक मुस्लिम घर में पैदा हुई और मैं सैयदा मेहरबानों का कम ही नहीं है मैम, इसमें मेरा कोई कमाल तो नहीं है ना। तो जब आप एक मुस्लिम होते हुए मगरूर हो जाते हैं नहीं, और आपका एक एटीट्यूड आ जाता है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं सबसे बेहतर हूँ, तो ये भी तो बेसिक सूफी थॉट की अगेंस्ट जाने वाली बात है। आप देखिए जितने भी हमारे हम सूफी शोरा की अगर बात कर लें, अपने जो बरसगीर की इनकी बात कर लें, वो सचल सरमस्त की बात कर लें, वो शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की बात कर लें, वो दाता हुजूर की बात कर लें, वो आप आज के दौर में अगर मतलब आज के दौर में आ जाए सुल्तान बाहू की बात कर लें, बाबा फरीद शकरगंज की बात कर लें, मतलब जितने भी हमारे ये सूफी शोरा की चले बात कर लेते हैं, तो सूफी शोरा ने उसमें अपने मसलक को नहीं डाला हुआ, वो हमेशा इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं, उनका पैगाम मोहब्बत है,
और वो इंसानियत को बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, अल्लाह ताला की मखलूक के लिए बेहतरी करना चाहते हैं। हमारे पास तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह की मिसालें हैं कि जो जानवरों के साथ सलूक है उसकी भी मिसालें हैं। वो तो जानवरों को हम दुख नहीं देना चाहते, और सूफिया जो हैं वो इस बात पे अटल है, वो इस बात पे मजबूत हैं। पौधा, चरिंद, परिंद, चूंटी, इंसान, मकौड़े, एक एक चीज का ख्याल करना है। बिल्कुल ख्याल करना है, और सफाई हमारे सारे यही कर रहे हैं, रखना है मतलब। और मजे की बात यह कि जिस चीज से हमने आज प्रोग्राम शुरू किया, आज का टॉपिक बेसिकली जो जिस पे बात की वो ये थी कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। अब ये दुबई में जो मामलात चल रहे हैं, हर कोई घूम के कह रहा है कि भाई इन पे अजाब आया है अल्लाह ताला का। देखिए, कोई भी चीज़ अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं होती, लेकिन एक सेकंड के लिए हमें सोचना चाहिए कि ये जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सारे मामलात जो हुए हैं, हमारी अपनी एज ह्यूमन, एक इंसान होने के नाते, इधर मुसलमान भी इंक्लूडेड है, क्रिश्चियन भी इंक्लूडेड है, हिंदू भी इंक्लूडेड है, पारसी, अहमदी, हर बंदा, ये हर इंसान जिसने आलूदगी फैलाई है, जिसने ग्लोबल वार्मिंग में एडिशन की है, जिसने गलत चीज़ें की हैं, उस बंदे की जिम्मे जा रही हैं ये जो चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल सही। मैं गलत कह रही हूँ कि सही कह रही हूँ मैम? जी बिल्कुल। जब गलत चीज़ होती है हम अल्लाह ताला के जिम्मे डाल देते हैं, अच्छी चीज़ होती है तो हम बड़े फखर से बैठे होते हैं कि वाह जी हमने कोई काम किया। ये सारे हमारे अपने किए धरे का हम खमियाजा। मैंने शुरू में बात की थी तमाम मखलूकात, अब उसके अंदर पानी भी अल्लाह की खिलकत है, और पानी जब आप नहर किनारे भी वुजू कर रहे हो तब भी आपको इसराफ की इजाज़त नहीं है, उसके अंदर जो है वो आलूदगी फैलाने की इजाज़त नहीं है, हवा को परागंदा करने की आपको इजाज़त नहीं है। ये तो इस्लाम तो हमें उस सतह पर लेकर जाना चाहता है जहां आप नफा बख्श हो जाएं। लेकिन सूफीज़म की बुनियाद क्या है? सबसे पहले आप न्यूट्रल हों, बेज़रर हों। जब आप बेज़रर हो जाते हैं उसके बाद आप नफा बख्शी की तरफ जाते हैं। फिर पहले कहाँ तक आना है आपने कि मेरी ज़ुबान और मेरे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे। अच्छा, तो सूफीज़म की जर्नी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ पर जाके आप एक्चुअली अपने आप को सूफी कंसिडर कर सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे ब्रेक के बाद। लेकिन ब्रेक में जाने से पहले, जब इतनी प्यारी आवाज़ भी प्यारी, पर्सनैलिटी भी प्यारी, पूरी की पूरी मेरी मेरी बहन भी बड़ी प्यारी, कहाँ कौन वो ये सामने वाली? हाँ, वो तो बड़ी है हसीन, वो तो मेरी मेरी ये वाली दोस्त तो ऐसी है कि लगता है कि हाथ लगाएंगे तो मैली हो जाएगी। बस ये सबक है, बहुत खूबसूरत कलाम, यार को हमने जा बजा दिया। सुभान अल्लाह, परफेक्ट। यार को हमने जा बजा देखा, कहीं जाहिर कहीं छुपा देखा, यार को हमने जा बजा देखा, कहीं वो बादशाह है तख्त नशीं, जब तक ठिकाना था कोई पूछता न था, तुमने मुझे
मुझे खरीद कर अनमोल कर दिया। कहीं वो बादशाह तख्त नशी कहीं का साली गदा देखा, कहीं का साली गदा देखा। यार को हमने जा बजा देखा, यार को हमने जा बजा देखा। कहीं वो दर लिबास माशूका, कहीं वो दर लिबास माशूका। बरसरे नाज और अदा देखा, बरसरे नाज और अदा देखा। यार को यार को यार को हमने जा बजा देखा, यार को वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही मशहूर ज़माना और सबका फेवरेट कलाम सुनाया तहसीन सकीना ने और हमें ब्रेक में भेज दिया, ब्यूटीफुल। और उसके साथ साथ ये ज़रूर मैं कहूँगी कि जो आपने इसमें अपनी वेरिएशंस डाली हैं और अपनी जगहें ली हैं वो बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत दोनों कलामों। बहुत शुक्रिया। देखिए बात तो यह है कि हर कलाम जो है किसी ना किसी ने एट सम पॉइंट तो पढ़ा ही हुआ है, लेकिन और बड़े खूबसूरत अंदाज में लोगों ने पेश किया है, लेकिन अपनी वेरिएशन जब इंसान डालता है खुद तो उसमें फिर वो फिर कलाम अपना हो जाता है। ऐसे ही है। अच्छा दो मामले आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगी, फिर रियाज भाई आप और फिर मैम आप जवाब मुझे ज़रूर प्लीज़ इसका दीजिएगा। अपने सामने हज़ार ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं और जैसे कि मैंने कहा सूफीज़म अब इतनी ट्रेंडिंग है, व्यूअर्स के हर बंदा जो है ना अपने आप को सूफी बुलाता है। दो वाक़यात है जो आपके सामने पुट फॉरवर्ड करूँगी और फिर आप दोनों ही डिसाइड कीजिएगा इन दोनों में से सूफी कौन है। हमारे एक अंकल है बहुत ही स्वीट से, सच्ची बात है व्यूअर्स मुझे उनका नाम भी नहीं याद, बचपन से जा रहे हैं साल में एक दफ़ा या हर डेढ़ साल के बाद हम एक चक्कर ज़रूर वहाँ पे उनके घर लगाते हैं, लेकिन हमें बच्चों को वहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है। नॉर्मल जिस तरह हर बंदा पांच वक्त नमाज पढ़ता है, नॉर्मल लोग, मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मजहबी या बहुत ज़्यादा कोई उनके घर में कोई इस किस्म के मामला, नॉर्मल। अच्छा नमाज जब भी उन्होंने पढ़नी होती है वज़ू जा के वो बाहर करते हैं। वाह। क्यों? क्योंकि लॉन के अंदर वो वज़ू करते हैं, वो कहते हैं कि भाई वो वज़ू का पानी साफ ही होता है, ना उस पर कोई साबुन लगा होता है, ना कोई और चीज़ होती है, ना पौधों को उसका नुकसान पहुंचना है। तो वज़ू वो बाहर जाके करते हैं कि वो पानी भी घास पे या पौधों पे गिरे तो उधर भी फ़ायदा हो गया और आपने भी काम कर लिया। अच्छा उसी तरह उनके घर हम जब भी जाते हैं उछल कूद करते हैं, खेलते हैं, प्यार से बात करना, लिहाज से बात करना। उनके घर रमज़ान में भी यही मामला था कि इस रमज़ान में जैसे ही इफ्तार का वक्त हुआ दस्तरखान पर घर का स्टाफ हर बंदा बैठा हुआ है, ये नहीं है कि स्टाफ जो है वो सर्व कर रहा है वो बैठे। ये सारी चीज़ें मैंने ऑब्जर्व की। घर में बच्चियां जो काम करती हैं उनका जो गार्ड भी है सारे बहुत ही मलंग टाइप आदमी, एक वो है सुभानअल्लाह जो घर की बच्चियों को बेटी बेटी करके बात करते हैं, जो स्टाफ काम करते हैं, जो घर के में काम करते हैं चाहे उम्र में बड़े भी उनको भाई भाई कह के बात करते हैं, एक वो बंदा है। दूसरी तरफ वो तीन चार साल पहले 5 साल को मैं गई एक खातून के घर, किसी ने कहा कि यार वो जिक्र कराती हैं, मैं बड़ी डिस्टर्ब थी परेशान थी, ये नूर से पहले मिसकैरेजेस ये वो बहुत, मुझे किसी ने कहा उनके पास जाओ तुम जिक्र करो तुम्हें सुकून मिलेगा। अच्छा मैं वहाँ पे गई, जिक्र शिक्र किया, सारे मामलात बड़े अच्छे। जो खातून जिक्र करा रही उन्होंने लिबास भी वो पहना हुआ वाइट ये वो व्हाटएवर, खुले उनके बाल, सिर नहीं कवर्ड, व्हाटएवर, चलो वो उनके अपने मामलात हैं। किचन में उनके मुझे ऊंची ऊंची आवाज़ आई किसी के झगड़े की, व्यूअर्स मैं भागती हुई किचन के अंदर गई, मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया, कोई लड़ाई हुआ है, कोई झगड़ा हुआ है, बंदा हेल्प कर दे।
वो अच्छा मैं दरवाजे पे खड़ी आप देख रही हूँ, वो खातून जिसने हमें जिक्र कराया है, जिसने हमें लेक्चर दिया है, जिसने अल्लाह रसूल की हमसे बातें की हैं, वो उस लड़की को डांट रही है बाकायदा, बाज़ उसे झंझोड़ रही है और उसे कह रही है कि भाई तुम्हारे तो आए दिन कोई ना कोई या तो मर जाता है या बीमार हो जाता है, अब तुम कह रही हो तुम्हारी माँ बीमार है, मैं किस तरह यकीन करूँ, तुम्हारे ड्रामे नहीं खत्म होते, अब पता है कि मेरे मेहमान आए हुए हैं, तमाशे ही नहीं तुम्हारे, और मैं सकते में कि इतने नरम और मुलायम और मोहब्बत भरी आवाज़ और टोन में इन्होंने जिक्र भी करवाया, हम सबको कहा कि हमें एक अच्छा इंसान होना चाहिए, हमारे बात करने का अंदाज़ पॉजिटिव होना चाहिए, सबसे ज़्यादा चुभी ये बात मुझे, तो मुझे बता दे रियाज भाई अब इन दोनों में से सूफी कौन है? जुगन जी सिंपल सी बात यह है कि बड़ा आदमी वो है जिसकी मौजूदगी में कोई शख्स अपने आप को छोटा महसूस ना करे। वाह, अपने आप को छोटा महसूस ना करे, बड़ा आदमी की डेफिनेशन तो यही है। अब इनमें से वो जो मोहतरमा हैं, अगर हम उनकी मिसाल लें, शी वॉज जस्ट अ वेरी गुड एक्ट्रेस, मुझे यूँ कहना चाहिए, बहुत अच्छी अदाकारा तो हो सकती हैं, लेकिन उसका सूफीज़म के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। बिकॉज यहाँ पे तो आपको ये मिसाल दी गई है, इवन जंग के हालात में आपको ये बताया गया है कि आपने पौधों को नहीं काटना, इवन जंग के हालात में आपको बताया गया कि जो बंदा हथियार डाल दे उसको उसके साथ लड़ाई नहीं करनी, उसको नहीं मारना, मतलब परिंदों को, दरख्तों को, फसलों को, उनका भी ख्याल करना है। तो कहाँ जहाँ पे एक इंसान जो अल्लाह ताला की वैसी ही मखलूक है, उस बीबी को ये जहन में रखना चाहिए था या होना चाहिए कि वो उस जगह पे हो सकती है, मतलब जहाँ पे आप खुद खड़ी हुई हैं। इंतजार भी नहीं किया कि जो लोग आए हुए हैं वो चले जाएं। भाई अगर आपने एक्टिंग भी करनी है सूफी होने की, तो भाई कम से कम उतनी देर तक तो ड्रामा कर लो ना। ड्रामा करो, मतलब आप, और बाय द वे बाहर खड़े हुए बहुत से लोग, जब मैं थोड़ी सी बात देखी, थोड़ा सा बीच में मैंने पढ़ के बच्ची को छुड़वाया, तो उन्होंने उधर खड़े खड़े उसको फायर कर दिया, नौकरी से भी निकाल दिया। खैर मैंने अपना सामान वगैरह समेटा, अपना पर्स चर्स ये वो, मैं बाहर निकली तो वो बच्ची भी निकल रही थी, मैंने उसको थोड़े से जो भी मेरे पास पैसे थोड़े से थे उसको दे, मैंने कहा बेटे ये अगर अम्मी बीमार हैं तो उसके लिए, अब मुझे नहीं पता उसकी माँ असल में बीमार थी कि नहीं थी, वो कितना को गलत बोलती है नहीं बोलती, भाई आपने ऐसे बंदे को नहीं रखना, आप किनाराकशी कर लें, रखना भी है, जलील भी करना है और साथ में उसकी बेइज्जती भी करनी है, फ़ायदा क्या? बिल्कुल, मेरा तो पॉइंट इतना, मैं तो लॉजिक पर चल रही हूँ, मैं तो अभी मज़हब को हाथ भी नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपने पूरा हॉल चढ़ाया हुआ है, आप सारा कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन हर बंदा आपसे तंग है। भाई बात ये है ना कि आप ड्रामा बहुत अच्छा कर रही हैं, दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन हकीकत ये नहीं है। हकीकत में आपके जाहिर और बातन में इतना ज़्यादा डिफरेंस, इतना ज़्यादा तजाद आपकी शख्सियत में, ये ठीक नहीं है, ये मुनासिब नहीं है। इसी तरह से वो जो आपके अंकल हैं, मैं समझता हूँ कि अगर वो वाली मिसाल ली जाए, ही इज़ अ रियल सूफ़ी आई मस्ट से इन दी सिरा, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू से, उसकी उनकी मिसाल जो है वो अपने आज के बच्चों को दिखाई जा सकती है। यार इस तरह से बड़ा हो सकता है डाइनिंग टेबल, और बाय द वे बहुत माशाल्लाह वेल्थी लोग, उनके स्टाफ के जो उनके सारे वर्कर उनके घर में काम करते हैं, उन सब के या तो उन्होंने घर बनवाए हैं या उनको ज़मीन लेके दिए कि भाई अगर मैं अपनी छत के नीचे रहता हूँ, और इतनी चीज़ें हम लोग कर रहे होते हैं बच्चे वगैरह, क्योंकि एकदम हमारी हमारे वहीं पर रिलेटिव ने घूम के कहा आपने तो अपने स्टाफ की आदतें ख़राब कर दी हैं, हम तो अपना कोई मुलाजिम ला ही नहीं सकते क्योंकि आपने सबको घर बना के दिए हैं या ज़मीनें लेके दिए हैं, हमारा स्टाफ भी फिर हमें कहता है। ये नहीं कि उसको देख के उसको फॉलो करें, आपको ये प्रॉब्लम है कि उसने अच्छा क्यों किया, क्या अब हमें भी करना पड़ेगा? आपके जुगन जी जाहिर और बातिन में डिफरेंस जो है ना, ये अल्लाह को बिल्कुल पसंद नहीं है कि हम बज़ाहिर जो है वो बड़े बाकमाल किस्म के लोग बने हों और अंदर से हम छोटे हों। सूफ़ी वो है जिसका अंदर का कनेक्शन उसके रब के साथ है, जो अंदर से जिस तरह का है, जिस तरह के उसके रब का हुक्म है, वो अंदर से उस तरह का है, वही सूफ़ी है। और वो सूफ़ी के लिए बाकायदा जो है वो आपके आउटलुक होना ज़रूरी नहीं है, आउटफिट इतना ज़रूरी नहीं है जितना आपके अंदर का आउटफिट, अंदर से, दैट मस्ट बी वेरी क्लियर। जी डॉक्टर, आपकी बात सुन के मुझे अलामा याद आ रहे थे, फरमाते हैं तमद्दुन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, ये उम्मत खुराफात में खो गई, हकीकत रिवायात में खो गई। यानी आप देखें कि जो असल चीज़ थी हमने उसको नकल से रिप्लेस करके, और वो कहते हैं ना कव्वा चला हंस की चाल और अपनी भी भूल गया, तो हालात ये हैं। अब वो जो आपने वाक़या शुरू में बात की थी ना ब्रेक पर जाने से पहले, मैं उसमें एक वाक़या कोट करना चाहूँगी। हज़रत अबुल हसन खिरकानी रहमहुल्लाह नक्शबंदी सिलसिले के बहुत बड़े पेशवा हैं, ये आज के दौर के वो सो कॉल्ड सूफ़ी जो अपने आप को सूफ़ी कहते हैं, ये उनके और अपने लिए ये वाक़या दोहराती हूँ। उनके पास 7 दिन तक खाने को कुछ नहीं था, और उनके असहाब जो सालिकीन होते हैं, जो स्टूडेंट्स और लर्नर्स होते हैं, वो साथ बैठे थे, और 7 दिन से अब खाने को कुछ नहीं, कहर पड़ा हुआ है। एक शख्स आया आटे का थैला लेकर और साथ में कुछ गोश्त लेकर पका हुआ कि ये जाके मैं पेश करूँ। उसने पेश किया और उसने कहा कि हुजूर ये साथ नान भाई भी है, ये रोटियाँ लगाएगा, नान बनाएगा और सालन है, ये आप कबूल फरमाएँ, ये सूफिया के लिए है।
तो आपने फरमाया कि साहिबो जो बाकी लोग थे कि तुम लोग देख लो, तुम में से अगर कोई सूफ़ी है तो ये खा ले, मैं तो सूफ़ी होने का क्लेम नहीं करता। और ये वो हस्ती हैं कि सुल्तान महमूद गज़नवी रहमतुल्लाह जिनका खरका लेकर जाते हैं और फिर सोमनाथ को उसके दुआ करके और फिर वो फतह करते हैं। तो हम किसके बेचारे हैं कि हमारे अखलाकियात के अंदर जो है वो तमाम की तमाम, मैं कहती हूँ वो फिरौन वाली कारून वाली है। ये भी तो एक बड़ी कॉमन चीज़ हो गई जो आप कह रही हैं कि इस तरह खाना लेके गए। मैंने ऐसे भी ऐसे मामलात भी देखे हैं कि एक बंदा बैठा हुआ है और वो क्लेम करता है कि वो सूफ़ी है और उसके पैरों में जाके लोग चीज़ें रख रहे हैं और गिफ्ट्स लेके आ रहे हैं। तो मुझे वो हिंदू वक्त याद, हिंदुओं के ज़माने याद आता थे, तो बुत होते थे और बुतों के सामने जा लोग जाके चीज़ें रखते थे। तो ये तो वही वाली चीज़ होगी। नहीं, आप देखिए, आप किसी इंसान की पूजा नहीं कर सकते। आप बुज़ुर्गों की ताज़ीम ज़रूर करें, आप उनका ख्याल करें, आप उनको तोहफे तहाइफ नज़र न्याज नजराने ज़रूर पेश करें। मैं खुद सूफीज़म से हूँ, लेकिन रियल सूफीज़म ये कहती है कि देने वाले बने, ऊपर वाला हाथ, लोगों की जेबों पर नजर ना हो। सैयदा फातिमा तुज़ारा सलामुल्लाह अलैहा उस खातून की बात सुन के मुझे याद आई, हजरत फिजा के साथ दिन बांटे हुए थे। आज हम कौन खवातीन है कि जो इस लेवल पे हैं कि अपनी काम वाली मासी को बिठा के कहें एक दिन तुम रेस्ट करो और मैं काम करूंगी। शहजादी कौनैन है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलमान फारसी को अहले बैत में शुमार किया। आज कोई गैर मुस्लिम मुसलमान हो जाए जिंदगी भर उसको हम ताने देते हैं। आज कोई तायब हो जाए, कोई किसी उसे, हम उसको ताने दे दे के मार देते हैं। और ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया, वो उनके मसाहिबों ने कुछ लंगर तकसीम किया और वो जो था एक बाजार, उसमें वो नहीं देखे आए। आपने पूछा फलां बाजार के अंदर आपने दिया है, उन्होंने कहा नहीं, क्यों जी, वहाँ गाने बजाने वाली हैं। आपने फरमाया वही खाना तैयार करो, वही हलवा तैयार करो, वो हलवा पूरियां सर पे रखी थाल, और आप खुद नंगे पांव उनके घर गए और लेकर गए। ये सूफिया का मशरब, ये उनका तरीका। और हजरत वासिफ अली वासिफ रहमतुल्लाह बड़ी खूबसूरत बात फरमाते हैं, वो कहते हैं साहिबो करम वाले बन जाओ। करम वाले का जो मामला होता है ना, वो 2 + 2 = 5 होता है। वो देने वाला होता है, वो माफ़ कर देता है, वो रास्ता छोड़ देता है, वो खड़ा हो जाता है अपने हक के लिए। जब दूसरे खड़े होते हैं तो वो वापस चला जाता है और वो जवाब सवाल नहीं करता, उसको तलाश नहीं किया जाता। तो जो करम वाले होते हैं ना, वो सिबगत अल्लाह, अल्लाह के रंग में रंगे हुए होते हैं। तभी फिर वो अल्लामा ने कहा ना, हाथ है अल्लाह का बंदा है मोमिन का हाथ, गालिबो कार आफरी कार कुशा कार साज, कि वो फिर जो अगर ज़ुबान से निकाल देता है तो उसकी बात अल्लाह पूरी कर देता है। फिर उसकी निगाह में तासीर होती है, फिर वो लठ ले के नहीं पीछे पढ़ के लोगों को नमाज पढ़ाता, फिर वो ज़ुबान से कुछ कहता है और वो उसका हाल बन जाता है। यानी शरीयत के काल को जब कोई हाल बना दे वो सूफी होता है। अच्छा, इंस्पिरेशन की अगर बात करें तो रियाज भाई, आप इतने सूफिया कराम गुजरे, कुछ हैं भी बहुत से चले भी गए, आप सबसे ज़्यादा किन से इंस्पायर्ड है और किन की बातों से इंस्पायर्ड? अच्छा, मेरा ख्याल ये है कि सारे जो इंस्पिरेशन हर इंसान की होती है। जुगन जी, बात यह है कि सारी जो सूफिया है ना, जितने भी हम तक, लेकिन आजकल ट्रेंडिंग में रूमी चल रहे हैं, आपको पता ना, जिस तरह बहुत से लोग जो है वो रूमी को फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, मैं ये समझता हूँ कि हर एक ना एक ही पौधे की मुख्तलिफ फूल हैं, एक ही दरख्त की मुख्तलिफ शाखें हैं और वो एक ही उनका मतमय नज़र है। वो हज़रत इकबाल ने कहा था ना कि खुदा तुझे किसी तूफ़ान से आशना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इज़्तिराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फिराक के तू, किताब खां है मगर साहिब किताब नहीं। हमें साहिब किताब को देखना है, हमें उन लोगों को देखना है। मतलब आप सूफिया की जब भी बात करते हैं, मैं समझता हूँ हर एक के पास खूबसूरती है, हर एक के पास मोहब्बत है, हर एक के पास रवादारी है, हर एक का मतमय नज़र एक ही है, लोगों को आसानियाँ देना, लोगों की भलाई करना, लोगों के काम आना, लोगों के साथ इक्वलिटी बेसिस पे बात करना। अच्छा, हमें अब मैं थोड़ी सी एक बात हल्की सी कॉन्ट्रोवर्शियल कहूँगी और जिस तरह बेहतर अंदाज में, आसान अंदाज में आप लोग इसको एड्रेस कर सकते हैं ज़रूर करें। एक ये भी तो प्रॉब्लम है डॉक्टर साहिबा एंड रियाज भाई कि बहुत से लोग उन लोगों से दुआएं मांगनी शुरू कर देते हैं और उनकी इबादत करना शुरू कर देते हैं जिनको जैसे कि बाबा बुल्ले शाह हो गए। आप समझ रहे हैं, एक तो एलिमेंट होता है ना रिस्पेक्ट करना और अकीदत का, और एक होता है कि आप उनकी इबादत करना शुरू हो जाते हैं। कुछ इस पर क्लैरिटी देंगे? देखिए, एक लाइन है ना, हाँ, वो लाइन क्रॉस हो जाती है तो फिर थोड़ा सा शिर्क की तरफ बात चली इबादत अल्लाह के सिवा किसी की नहीं है, सजदाए ताज़ीमी अल्लाह के सिवा किसी का नहीं है। सहाबाए कराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त चाही कि ये ऊँट आ रहा है आपको सजदा कर रहा है, बकरी आ रही है सजदा कर रही, भेड़िया आ रहा है सजदा कर रहा है, हमें भी इजाज़त दें। आपने फरमाया नहीं,
इस्लाम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदे की इजाज़त नहीं, अगर होती तो बीवी को हुक्म होता कि वो अपने शौहर को सजदा करे। उसके बाद ताज़ीम की, जैसे मैंने बात की, आप बुज़ुर्गों की ताज़ीम ज़रूर करें, लेकिन इस हद तक नहीं झुक जाएं कि वो सजदा आप अपनी पेशानी ज़मीन पर रख दें, यानी वो सजदे के मिसल हो जाए, पहली बात। दूसरी बात ये कि जिस तरह हर चीज़ सीखने के लिए असातज़ा की ज़रूरत होती है, कुरान में ये चीज़ दर्ज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चार मदारिज लेकर तशरीफ़ लाए, आपने लोगों को तिलावत आयात की, तज़किया नुफूस किया, किताब की तालीम दी, हिकमत की तालीम दी, और आपने फरमाया मुझे मुअल्लिम अखलाक बनाकर भेजा गया है। अब हर सूफ़ी किसी ना किसी से इंस्पायर होता है, जो बात आप इंस्पिरेशन की कर रही थी, तो आपने ये देखना है कि इस स्कूल ऑफ थॉट में आपका कौन सा उस्ताद है, कौन आपको लीड करेगा, कौन आपको सिखाएगा, वो मुर्शिद होता है। जैसे आपने रूमी की बात की है, मैं खुद इकबालियात की स्टूडेंट हूँ, रूमी मेरे मुर्शिद है, मुर्शिद इन द सेंस ऑफ टीचर, बिल्कुल मेंटोर, कि वो आपको सिखाने वाले हैं, बताने वाले हैं, आप उनकी थॉट्स को लें, आप उनकी टीचिंग्स को लें, और टीचिंग्स पे तो हमने अमल नहीं करना, ना नमाज पढ़नी, ना रोजा रखना, लेकिन उस बंदे की आपने इबादत करनी शुरू कर दी। और ये जो है ना शख्सियत परस्ती, इस्लाम ने इससे मना किया। अगर शख्सियत परस्ती की इजाजत होती, सैयदना सिद्दीक अकबर रदियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होकर खिलाफत के बाद पहला खुतबा ये ना देते कि लोगों मैं तुम्हें कुरान और सुन्नत के मुताबिक लेकर चलूंगा, अगर तुम देखो कि मैं डेविएट कर रहा हूं तो मुझे पकड़ के सीधा कर देना। सैयदना उमर फारूक रदियल्लाहु तआला अन्हु ये ना फरमाते कि अगर तुम मुझे देखो कि कोई चीज गलत है तो मुझे पॉइंट आउट करो, और एक शख्स उठ के ये ना कहता कि आपने कुर्ता कहां से पहना हुआ है, आप हमें इसका हिसाब दें, आप इतने तवीलुल कामत हैं, एक चादर जो माल गनीमत की मिली थी उसमें तो आपका कुर्ता नहीं बनता। उन्होंने फरमाया अब्दुल्ला बिन उमर जवाब दें, वो उठे और उन्होंने बताया मैंने अपने वालिद को अपनी चादर हिबा की तोहफा दी और यह दो चादरों में इनका कमीज तैयार हुआ। फिर आप देखिए तसव्वुफ़ की जो हम बात कर रहे थे, आप मज़हब की बात कर रही थी, इस्लाम दीन है, इस्लाम मज़हब नहीं है। मज़हब तो 10% इबादात का नाम है, 90% तो मामलात हैं, हमसायों का ख्याल, बुज़ुर्गों का ख्याल, बच्चों का ख्याल, गैर मुस्लिमों का ख्याल। हज़रत ग़ौसुल आज़म शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं किसी गैर मुस्लिम से भी नफरत ना करो और उसको हिकारत से ना देखो, मुबादा की आखिरी उम्र में तुम्हारा ईमान छिन जाए और वो दुनिया से साहिब ईमान होकर जाए, तो ये तो फैसला एंड ऑफ द डे होगा ना, डे ऑफ जजमेंट पे होगा कि कौन कामयाब हुआ और कौन नाकाम हुआ। हम कौन होते हैं किसी को फतवेबाजी करने वाले? बट ये तो एक प्रॉब्लम है ना कि रियाज भाई, इस डगर जब कोई अक्सर लोग लगते हैं तो वो ऑब्सेस हो जाते हैं। अच्छा, वो मतलब दीन, मुझे तो कभी कभी लगता है कि वो दीन की रस्सी इतनी जोर से थाम लेते हैं, दुनिया को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। अब आपके बच्चे, आपकी हस्बैंड या आपकी वाइफ, सारी चीजें आपसे छूट गई, अब उनकी फैमिली का, मेरी हमारे एक जानने वाले में है ना कि वो खातून इतनी ज्यादा इस मामला में पड़ गई कि मतलब बच्चों को देखना छोड़ दिया, शौहर से बात करनी छोड़ दी, और मतलब बिल्कुल ही ना वो इस तरफ हो गई। ये इस्लाम भाई, आपके पास इस्लाम में रहबानियत का तसव्वुर नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल वो तसव्वुर नहीं है आपके पास। आपने दीनों दुनिया दोनों को लेकर चलना है, और दीनों दुनिया को लेकर इस तरह से चलना है जब हम किसी से मुतासिर हो सकते हैं। मुतासिर होना कोई ऐसी बात नहीं है, ऑब्सेस नहीं होना, वो नहीं होना, वो नहीं होना, वो इसलिए नहीं होना कि हर शख्स का एक अपना, और वो उस शख्स ने भी अपना हिसाब देना है, वो जिससे मैं और आप मुतासिर हो रहे हैं वो भी वहीं पर जा रहा है और उसने भी अपना जवाब देना है। तो सो उसकी बात को सुन लें, उसकी बात को मान लें, उसकी बात को उसी हद तक माने जहाँ पे शिर्क नहीं बनता, जहाँ पे आप अल्लाह ताला के जो कुछ रब्बे कायनात ने फरमा दिया है उससे आगे नहीं आप जा सकते, उससे तजावुज़ तो आप किसी सूरत में नहीं कर सकते। मुतासर हाँ हो सकते हैं, लेकिन ये जहन में रखें कि वो भी बशर है और उसने भी अपना हिसाब किताब देना है वो जहाँ पर भी जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर हम ब्रेक की तरफ पढ़ेंगे कलाम सुनते हुए, जब ब्रेक के बाद वापस आएँगे तो आज की गुफ्तगू को रैप अप करेंगे। और सिर्फ जूफिशां मैडम जूफी मुझे बड़े घोरियां मार रही हैं कि हांडी भी तैयार हो गई है, तो वो भी हम दिखा देंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। कुछ हमारे एंड पे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और हमने कलाम नहीं लिया और मिस हो गया, लेकिन बड़ा फेवरेट हमारा कलाम है तो वो हमने अभी सुनना है आज के शो को कंक्लूड करते हुए। उससे पहले एक लड़की किचन में खड़ी है बड़ी देर से कि भाई हम भी पढ़े हैं राहों में, हांडी हमने कब की तैयार कर ली, चल जूफी तेरी बारी। हाँ, बन गया हमारा नहीं चिकन।
हमारा नहीं, आप कहती हैं हमारा हर बार कहती है हमारी कढ़ाई तैयार हो गई, तो मैं कहती हूँ वैसे इंसानों के गोश्त की कढ़ाई बनाना सबसे बड़ी बात ये हराम है, तो आप यही कहे कि मुर्गी की हमने बनाई है। तो बटर चिकन नट्स के साथ बन गए, रायता बनाया साथ में, सैलड और साथ में नान, साथ में वही वाली चीज़ जो कही ना शुरू में व्यूअर्स के एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, तो विद इन लिमिट्स आप हैवी से हैवी और वो जो कहते हैं ना मुरगन से मुरगन गज़ा भी खा सकते हैं लेकिन एतदाल से। जी, तो आज की गुफ्तगू को कंक्लूड करते हैं कि सूफीज़म इतना बड़ा एक टॉपिक है कि अगर हम डिफरेंट सूफी ऑर्डर्स को ही लेके बैठ जाएं तो हमारा एक सूफी ऑर्डर पे बात करते हुए पूरा का पूरा जो शो है वो ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल, पॉइंट सिर्फ आज ये था बात करने का कि देखें ज़रूर दीन के साथ जुड़ना, अपने आप को करीब करना, ये बहुत अच्छी बात है व्यूअर्स, बहुत अच्छी बात है। नमाज, रोज़ा, अपने सारे फ़राइज़ को पूरा करना, मैं ख़ुद इवन दो मैं अपना सर नहीं कवर करती हूँ, मज़हबी प्रोग्राम्स होते हैं उसमें करती हूँ, लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, सीख रही हूँ, दिल की एक आवाज़ होती है, बंदा सर भी कवर कर लेता है, ये सारी चीज़ें कर लेता है, लेकिन एक्सट्रीम पे चले जाना यानी कि कोई किसी के के पास आप जाते हैं, आप उनसे बात करते हैं, एक सूफी पर्सनैलिटी है, रूहानी पर्सनैलिटी है, आप उसी की इबादत करनी शुरू कर दें, ये बात गलत है। देखिए शिर्क नहीं करना, पॉजिटिविटी की तरफ जाएं, अच्छी चीज़ों की तरफ जाएं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन चीज़ों की तरफ नहीं जाना जो फिर हमें अल्लाह माफ़ी दे अल्लाह के सामने हमें गुनहगार बनाते हैं। बेहतर गाइडेंस मैम आप हमें दे सकती हैं। जी, मैंने जहाँ से बात शुरू की थी मैं वहीं बात ख़त्म करूँगी अपनी कि देखिए इंसान को अपने जिस्म की ज़रूरियात के लिए तो बहुत आज फ़िक्र है, लेकिन रूह की बालीदगी के लिए, उसकी ज़रूरियात के लिए हम कितनी फ़िक्र कर रहे हैं। तो रूह क्या चाहती है? वो कनेक्टिविटी चाहती है, अलस्त बिरब्बिकुम, वो जो हमने नारा अल्लाह ताला के बारगाह में लगाया था कि अल्लाह हम तुझे अपना रब मानते हैं, टोटली सरेंडर करें, अपने आप को जो इस्लाम ने अखलाकियात दी हैं उनसे मुत्तसिफ़ करें, अल्लाह का रंग चढ़ाएं अपने ऊपर और उन तमाम रंगों को खुल के मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में डालते हुए, वो अल्लामा ने जो कहा था ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराग़े ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। तो आज इस चीज़ की ज़रूरत है और मैं समझती हूँ इस दौर में जो नफ्सा नफसी, जो डिप्रेशन, परेशानी, जो कुछ भी इर्द गिर्द है ना, उसका इलाज सूफीज़म में है, सूफीज़म के पास है, लेकिन ट्रू सूफीज़म है वो जो हिंदुआना गैर इस्लामी सूफीज़म है, उस मैं उसको कभी भी जो है वो नहीं हल समझती। हल ये है कि आपका काल आपका हाल बन जाए और हाल उस बारगाह से जुड़ जाए, बस। अच्छा, बड़ी खूबसूरत सी बातें मैडम ज़ाहिर कर रही हैं। बात सिंपल सी है और मुख्तसर सी है कि हमें अपने ज़ाहिर और बातिन को देखना चाहिए कि मैं अंदर से क्या हूँ और मेरा ज़ाहिर क्या है, उसको हमें अंदर से क्लियर होना है, अपने आप को भी करना है, और वो लोग जो एक्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं सूफीज़म का लिबादा पहन के, उनसे ज़रा अवॉइड करें, उनसे हम कोशिश करें कि नहीं, हमें अल्लाह ताला की ज़ात ने सब कुछ बता दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक से हम तक सब कुछ पहुंच चुका, बहुत बड़े बड़े उलमाए दीन ने हमें सब कुछ बताया है, लेकिन हम अपने आप को, हम कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ दैट इज देयर, आप तर्जुमे के साथ कुरान पाक को पढ़ लें, आपको किसी के पास कोई जाके बात करने की जरूरत नहीं, उसमें कंफ्यूजन है आलिम दीन के पास जाएं, वो आपको क्लियर कर दे, जो शोबदाबाज है उनसे बल्कि बचें और अपने आप को उन लोगों को देखें जो एक्टिंग कम कर रहे हैं, जो असल में अंदर से एक हैं, अंदर से अल्लाह ताला के साथ कनेक्टेड हैं, वही सूफियाँ हैं, और आज के हमारे बच्चों को उनके साथ रिलेट करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, जैसे कि तहसीन ने ब्रेक में बात कही बड़ी प्यारी, तहसीन ने कहा तो असल सूफी होते हैं वो तो ज़ाहिर होते ही नहीं है। बिल्कुल, अभी मुझे हमें आप तहसीन बता रही थी, मैं बल्कि रिपीट करना चाहूँगी कि एक सूफी इसी तरह सूफी पर्सनैलिटी थी, उनके पास लोग जा जा के उनके हाथ चूमने की कोशिश करते थे या पैरों को हाथ लगाने की कोशिश करते थे, उनके पास छड़ी थी, वो छड़ी से मारते थे और कहते बिल्कुल मेरे हाथ को नहीं चूमना। आपने भी बताया कि कर्मा वाला सरकार वो मना फरमाते, कहते सबसे बड़े तुम्हारे मुर्शिद और तुम्हारे जो वली हैं वो तो तुम्हारे माँ बाप हैं, घर में जाके उनके भी हाथ पांव चूमते हो कभी, तो खबरदार मेरे करीब कोई ना आए, क्योंकि इससे रियाकारी इससे जो है अंदर उजब पैदा होता है, तकब्बुर पैदा होता है, खुदनुमाई पैदा होती है, तो जो असल सूफी होते हैं वो छुपते हैं, वो छपते नहीं हैं। क्या बात है, और इसी नोट पे आज के शो को बल्कि इस हफ्ते को क्लोज करते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मंडे को फिर मुलाकात होगी, और आज के शो को क्लोज़ करते हुए तहसीन सगीना से हम कलाम सुनते हुए शो क्लोज़ करेंगे, यानी कि कलाम सुनेंगे और फिर जो क्लोज करेंगे। ओवर टू यू। मैं तश्ना कहाँ जाऊँ, मैं तश्ना कहाँ जाऊँ, पीकर भी कहाँ जाऊँ,